हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने आया हूं, जिसके ऊपर एक मुहावरा है। वो मुहावरा मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि वो मुहावरा ये है जो हम बचपन में सुना करते थे, हरी है सो भरी है, मोतियों सी लड़ी है, दुशाला ओढ़े खड़ी है। बताओ दोस्तों, ये क्या है? फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसकी वीडियो। सोचो जरा और कमेंट करके बताना। दोस्तों, ये जो सामने रास्ता आ रहा है, ये रायपुर से आ रहा है और ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, इस यहाँ से बाईपास ऋषिकेश निकल जाता है। और ये सामने मेरी नज़र पड़ी एक मक्की की ठेली लगी हुई है, उस पर काफ़ी सारी मक्की सजी हुई हैं। कुछ लोग इसको मक्की बोलते हैं, कुछ लोग इसको भुट्टा बोलते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ ये क्या है। ये सारा जंगल है पीछे, इसका व्यू देखो और आपको मज़ा आ जाएगा। कहते हैं कि मौसम के हिसाब से ही चीज़ को खाना चाहिए। आज मैं कई किलोमीटर चल करके इस लोकेशन में आया हूँ। यहाँ थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की, जिस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक मुहावरा कह रहा था, ये वो मक्की है जिसका जिस पर मैंने मुहावरा कहा था कि हरी है सो भरी है, मोतियों सी लड़ी है, दुशाला ओढ़े खड़ी है। इसी का नाम है मक्की। और इसके बारे में मैडम से बात करते हैं। मैडम ने नीचे आवाज़ हुआ, एक लकड़ी जला रखी है और भुट्टे बुन रही हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। अनीता। अनीता जी। हाँ। अनीता जी, ये काम कब से कर रही हैं आप? अभी मुश्किल से 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। अच्छा, कैसा लग रहा है काम करके आपको? बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कितने बजे तक दुकान खोल के रखते हो ये आप? 6-7 बजे तक खोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर शेर आ रहा है। शेर आ रहा है? हाँ। कहाँ पर शेर आता है? यहाँ पर, इधर जंगल में। इधर जंगल में। तो इनके डर से आप लोग जल्दी चली जाती हैं? चले जाते। और पहले कितने बजे तक बैठते थे? 8 बजे तक। तो आपको डर नहीं लगता? डर लगता है, क्या करें, बच्चों को तो पालना है। बच्चों को पालना है। ये छोटी सी गुड़िया भी खड़ी है, आप क्या खाने आई हैं? हैं? बताओ ना। भुट्टा। इधर पहले, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको पसंद है ये? हाँ हैं बेटे, घर पे भी खाते हो आप? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। क्या बनना बड़े होके? पुलिस। ऐसी बेटियों को मैं सलूट करता हूँ जो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, 4 साल की हैं आप, 5 साल की होकर के पुलिस में जाने की कोशिश कर रही हैं ना, बड़े होकर पुलिस में जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटे आपसे मिलके। तो भाई साहब ने भी यहाँ पर एक भुट्टे बोलते हैं, मक्की बोलते हैं आप लोग? बोलो चाहे भुट्टे बोलो, बात एक ही है। बात एक ही है। और सीजन में खाने का कैसा मजा आ रहा है? मजा आता है सर, मजा आता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, मजा आ गया। ये पोती है? ये पोती है सर। बहुत अच्छी लगी। बाय बेटे। बाय। खूब बड़े हो जाओ। नमस्कार। पहले, सबसे पहले आप मेरे लिए भी एक मक्की बनाएं। अच्छा। और उसको बढ़िया सी सॉफ्ट सॉफ्ट। दोस्तों, मैडम ने मेरे लिए मक्की छीलनी शुरू कर दी है और इसको भी खा के इसका टेस्ट बताते हैं कि कहाँ तक है, कैसा है। और ये कौन सी मक्की है जी? ये उत्तराखंड की है, कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। स्वीट कॉर्न तो नहीं है? नहीं। स्वीट कॉर्न होती है? लोकल है। दोस्तों, मैं स्वीट कॉर्न मक्की नहीं खाता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मसूरी के रास्ते में मिलती है। जब ये लोकल भुट्टे आते हैं मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। इसका दोस्तों खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये है दोस्तों, हाँ थोड़ा सा साइडों से छील के दिखाना, एक मिनट। ये है दोस्तों जिसको मैं कह रहा था कि मोतियों से लड़ी है, और दुशाला इसको बोला जाता है, जो इसके बाल निकल रहे हैं ना साइडों में, इसको कहते हैं कि दुशाला ओढ़े खड़ी है। ये है मक्की। और आप मेरे लिए इसको भून के खिलाइए मेरे को ज़रा। आप कितने भुट्टे बेच लेती दिन में? 30-40 होते बस। 30-40 भी काफ़ी हैं। क्या करें जब कस्टमर नहीं आते? कस्टमर नहीं आता। दोस्तों, आप भी जब इस रोड पे आए, और क्या नाम बताया था आपने? अनीता। अनीता जी के हाथ की मक्की खाएं। अब अनीता जी मेरे लिए मक्की भून रही हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे भुनेंगी।
अच्छा आप कच्चे कोले नहीं लगाते? कच्चे कोले नहीं, महंगे पड़ते हैं। कच्चे कोले महंगे पड़ते हैं, लकड़ी सस्ती पड़ती है। मजदूर आदमी क्या करेगा, कोयले कहाँ से? हाँ, कोयले की कीमत तो काफी होगी। क्या रेट है? 100 रुपए किलो। दोस्तों कोला है 100 रुपए किलो। ये जंगल से लकड़ी मिल जाती है गिरी हुई सूखी, और ये इन्हीं में बनाते हैं। चलो ये भी वो काम तो वही कर रही है। नदियों से जो बह के लकड़ियाँ आती हैं उन। दोस्तों पर्यावरण का ये लेडीज पूरा ध्यान रखती है। ये कह रही है कि मैं जंगलों से जो नदियों में लकड़ी बह के आती है मैं उन्हीं को उठा के लाती हूँ। और ये दिल से बना रहे हैं मेरे लिए आज। ठीक है, देखते हैं कैसी बनती है अभी। तो मेरे लिए मक्की तैयार हो गई है, और मैडम ये मक्की के पत्तों से ही उसके जो ऊपर राख लग जाती है थोड़ी, वो उसे साफ़ कर रही है बड़े प्यार से। और देखते हैं अब क्या क्या करेंगे इसके ऊपर। अब क्या करेंगे मैडम इसके ऊपर? नींबू मसाला लगाएंगे। नींबू मसाला, दोस्तों नींबू मैं बहुत खाता हूँ। और मसाला, मसाला किस चीज़ का होता है आपका? काला नमक। और नमक तो है नहीं कटोरी में? ये अरे वाह जी वाह, बारिश पड़ती है ना इसकी वजह से। अच्छा बारिश पड़ रही है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा निकालते हैं कि वो नमी ना आ जाए। बहुत बड़ी, फिर पानी भर जाता बेकार हो जाता है। दोस्तों मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। और ये मैडम लगा रही है इसके ऊपर नींबू। मैडम जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूंगी, आके स्टेडियम पर बूटे खाएं, हमारी मेहनत वसूल होए। हमें भी अपने बच्चे पालने। हाँ दोस्तों कभी आप रायपुर से स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाएंगे बस मैडम को पहचान लो आप, और इनके आके मक्की खाएं। और ये मैडम ने दिल से बना दी थी। दोस्तों ये मैडम ने मेरे लिए मक्की तैयार कर दी है, और उसे खा के मैं इसका टेस्ट बताता हूँ कि इसका टेस्ट है कैसा। हाँ मैडम एक चीज़ तो बताइए आप, इस मक्की का भून के रेट कितने का है? 30 रुपये। 30 रुपये का? अच्छा आजकल मक्की 30 रुपये बेच रही हैं, और वैसे कितने की बेचती हैं हमेशा? हमेशा बेचते जाते हैं, हमें सस्ती पड़ती है तो हम सस्ती देते हैं। 20 की भी देते हैं। अच्छा 15 की भी देते हैं, और 100 की 10 भी देते हैं कच्ची। वाह जैसे वाह। हमें पड़ती है सस्ती ऐसे हम सस्ती देते हैं, हमें महंगी पड़े तो हम भी महंगी दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों मैडम बिल्कुल सही कह रही है, जैसा माल इनको मिलता है उसी हिसाब से रेट लगते हैं। और आज की डेट में जो भुनी हुई मक्की का जो रेट है वो 30 रुपये है, बहुत रिजनेबल प्राइस है। इतनी मेहनत कर रही है मैडम। दोस्तों मेरे लिए मक्की आ गई है, इसे खा के आप तक इसका टेस्ट बताता हूँ, इसका टेस्ट है कैसा। दोस्तों गजब की मक्की है ये, उत्तराखंड की लोकल मक्की है जो मेरे को बड़ी पसंद है। आप भी ऐसे रोडों पे जाया करें और मक्की खाया करें। अगर मेरा चैनल पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।